सहरसा जिले के टॉप 10 अपराधियों के साथ 1 लाख का नामी शंभू यादव मंगलवार की देर रात सहरसा पुलिस के हाथे चढ़ गया। वो बीते कई सालों से फरार था, जिसमें राजवनपुर आने की गुप्त सूचना मिली, जिसमें जानकारी मिली थी कि वो जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र के राजवनपुर पंचायत अंतर्गत बिशनपुर घाट पर नाव से उतरेगा। पुलिस ने घेराबंदी कर शंभू यादव और उसके सहयोगी ललित यादव को गिरफ्तार किया है। जब तलाशी लिए जाने पर उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ है। एसपी हिमांशु ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि महिषी निवासी और 1 लाख का इनामी अपराधी शंभू यादव उनके साथी के साथ राजपुर पंचायत स्थित बिशनपुर घाट पर नाव से उतरकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना पर महिषी थाना पुलिस अमरनाथ कुमार, SI सुजाता रानी, सुनील कुमार, अशोक कुमार राम और जिला असूचना इकाई के पुलिस पदाधिकारी कर्मी एवं महिषी थाना में पदस्थापित सिपाही अमरेंद्र कुमार सिंह के साथ टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा बिशनपुर घाट पर घेराबंदी की गई है। घेराबंदी के बाद महिषी थाने की रक्टी गांव वार्ड नंबर 2 निवासी राजू यादव के पुत्र शंभू यादव और दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गजबरी गांव निवासी स्वर्गीय तारणी यादव के पुत्र ललित यादव जैसे ही बिशनपुर घाट पर नाव से उतरे, पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया है। तलाशी किए जाने पर उनके पास एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ है। इस संबंध में महिषी थाना में कई कांड में दर्ज कर उनकी रिपोर्ट की गई है। शंभू यादव पर सहरसा जिले में 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। टॉप 10 अपराधी में शामिल है। उनके ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों को लेकर सहरसा के अतिरिक्त दरभंगा, खगड़िया और समस्तीपुर में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। यहाँ पे टॉप 10 हमारा कुख्यात अपराधी था, जिसपे 1 लाख का सरकार ने इनाम भी रखा था, जिसका नाम शंभू यादव। इसपे कई सारे केसेस थे एवं यह जो गेरा क्षेत्र है सहरसा का, वहाँ पे काफी एक्टिव था, एक्सट्रॉक्शन का काम भी करता था एवं काफी इसपे मामले भी। इसकी तलाश हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे। तकरीबन जहाँ तक मुझे सूचना मिली है 2018 से फरार चल रहा है, लगभग 6 सालों से। हमने एक स्पेशल टीम SIT बनाई थी SDPO सदर के नेतृत्व में एवं DIU और SHO महिषी, SHO कनेरिया और सुखरिया के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। इस SIT के द्वारा तुरंत ही हम लोग खबर मिनट मिनट की खबर रख रहे थे ये कि शंभू यादव का क्या गतिविधि। इसी क्रम में महिषी थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि यह जो अपराधी है यह अपने जो एक साथी के साथ, जिसका नाम ललित यादव, वह राजनपुर आने वाला है, जो बिशनपुर घाट के आसपास है। जैसे सूचना मिली हम लोग की टीम एक्टिवेट हुई एवं वहाँ पे हम लोगों ने छापेमारी की। उस छापेमारी में जो अपराधकर्मी शंभू यादव है, नामी अपराधकर्मी, एवं उसके सहयोगी ललित यादव, दोनों को पुलिस टीम ने पकड़ लिया। इससे एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस भी हम लोगों ने बरामद किया। इसके लिए हम लोगों ने महिषी में 219-24 केस रजिस्टर किया है, जो धारा 25(1)(BA)(26)(2)(35) आर्म्स एक्ट में की गई। शंभू यादव का काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें तकरीबन 4 मामले जो हमें अभी तक पता चले हैं हत्या के हैं एवं अन्य आर्म्स एक्ट का केस है। पहले भी हम लोगों ने एक AK-47 की रिकवरी की थी, उसमें भी इसका लिंक आ रहा था। एवं पहले भी जब इसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो ये पुलिस प्रशासन के लिए फ्रेम किया था हर फायरिंग करके। आप लोगों को ये घटना पता होगा, इसमें भी अलग से केस हुआ, डिटेक्शन हुआ उसको। इस अचीवमेंट जो भी पुलिसकर्मी थे राइट फ्रॉम SDPO टू हमारे जो चौकीदार हैं, सशस्त्र बल हैं, सब लोग उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे।